and welcome to our YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। और बात करते हैं अपने इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, राइट। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़नी है, तो आप मुझे बता दें, मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी। तो क्या हुआ कि कई लोगों ने मुझे बोट एंड स्ट्रीम बोला, और कई लोगों के मेरे पास अलग से भी मैसेज आए कि बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक पढ़ना है उन्हें, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो रही है। और इसके पहले भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि बोट एंड स्ट्रीम में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने भी यही सोचा था कि चलो बोट एंड स्ट्रीम ही स्टार्ट करेंगे। तो जो बेसिकली ये जो आपका वीडियो है, ये है आपका जो एग्जाम आने वाला है आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क। तो इन दोनों एग्जाम के लिए ये वीडियो है। इसके पहले मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पूरी सीरीज दूंगी जिसमें पूरा क्वांट हम कंप्लीट करेंगे, बट फिर मुझे लगा कि वो टॉपिक्स करते हैं जिसमें आपको डाउट हो, ताकि आपका वो सारा चीज क्लियर हो सके। बाकी सारी चीजें हम धीरे धीरे कंप्लीट तो कर लेंगे, पर अभी एग्जाम सर पे है तो अभी वो टॉपिक्स पहले कंप्लीट करते हैं जो कि आपका वीक है। तो स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी कवर करनी है। और दूसरी चीज ये कि बोट एंड स्ट्रीम में आप लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। देखो ये ईजी है, और अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस क्लियर है तो आप ये भी कर लोगे आसानी से। चलो तो शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं। चलो, तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें एक होगा नाव, और स्ट्रीम मतलब होता है धारा, यानी आप किसी नदी में नाव को चला रहे हैं, तो उस पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। जैसे इसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलास देख लो कि क्या यूज होगा और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हाँ, हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या कि पानी रुकी हुई है। जब भी आप नदी को देखेंगे तो नदी का एक फ्लो होता है, वो किसी एक डायरेक्शन में बहती है। तो अगर पानी रुका हुआ है, पानी बह नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो x किलोमीटर पर आ रहा है वो स्पीड है किसकी, बोट की है, ठीक है। और ये जो पानी का बहाव है ये भी इफेक्ट करता है किसको, स्पीड ऑफ बोट को, ठीक है। तो अभी वो हम देखते हैं। सबसे पहले चलो, जो x किलोमीटर पर आ रहा है ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, y किलोमीटर पर आर हमने ये ऐसा सपोज कर लिया, ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको स्ट्रीम मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको वाटर मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको करंट भी मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको रिवर भी मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है। चलो, अभी बोट की दो तरीके से बोट जो है वो ट्रैवल कर सकती है स्ट्रीम में। देखो कैसे, पहले सपोज कर लो कि जो आपका रिवर है या जो आपकी स्ट्रीम है उसका डायरेक्शन ये है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो आपकी बोट है ये भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट की। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को हिंदी में हम बोलते हैं धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में। तो स्पीड ऑफ बोट क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट आपका हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, क्योंकि हमने ऊपर किलोमीटर पर आर में लिया हुआ था। तो देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर और ये क्या है स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बोट है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये जो रिवर है ये बोट को क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है बढ़ने के लिए। तो इस कंडीशन में जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, कितनी बढ़ेगी इतनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये हो गया आपके डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज आती है आपका अपस्ट्रीम। तो बात करते हैं अपस्ट्रीम की। तो स्पीड ऑफ बोट देख लो, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की। तो देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। अपस्ट्रीम यानी कि आपका रिवर या आपकी जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और जो आपका बोट है वो इसके दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेम स्पीड y और इसकी क्या है x है। तो देखो क्या होगा जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ये जो आपकी स्ट्रीम है ये बोट का विरोध करेगी, मतलब बोट को आगे जाने नहीं देगी। तो इसकी वजह से जो बोट है उसकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है माइनस वाई, जितनी स्ट्रीम की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड। अब जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इससे ही बनेंगे, ठीक है। और अब डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कंसिडर कर लेते हैं u और अपस्ट्रीम स्पीड को हम कंसिडर कर लेते हैं v, ताकि आसानी हो हमें इतना बड़ा बड़ा लिखना ना पड़े। चलो अच्छा, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जब भी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी u प्लस वी अपॉन 2, यानी क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। और y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y की वैल्यू मिलेगी u माइनस वी अपॉन 2, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो इससे आपको ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर आपके पास स्पीड्स दी हो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो उससे आप बोट की स्पीड भी निकाल सकते हैं और स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपके पास गिवन हो आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो हमेशा बड़ी होगी किससे अपस्ट्रीम स्पीड से, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज है इसमें जुड़ रहा है और उसमें घट रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो बड़ा होगा इस वाले से, ठीक। तो ये हो गई हमारी जो भी चीजें थी, यानी बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके अभी आगे क्वेश्चंस में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड एक स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आपको दी गई है कितनी 7 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स हिम 14 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। अगर रिवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया स्पीड ऑफ बोट x और यहाँ से आपको क्या मिल गया स्पीड ऑफ रिवर y, ठीक। तो उसे कितना समय लगता है 14 घंटे लगते हैं टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। एक प्लेस पे जाने में और वहां से वापस आने में दोनों मिला के इसको कितने घंटे लग रहे हैं 14 घंटे लग रहे हैं। तो आपको इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो कई तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मान लो क्या है लेट डिस्टेंस इज d किलोमीटर पर, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि डिस्टेंस क्या है d किलोमीटर पर आर है, सॉरी d किलोमीटर पर आर कहाँ से डिस्टेंस तो किलोमीटर में होगी, तो इन दोनों जगहों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d है, हमने ऐसे सपोज कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो हमने पढ़ा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ से सबसे पहले मुझे ये देखो एक बार तो डाउन स्ट्रीम जाएगा और वापस आएगा कैसे अपस्ट्रीम, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड बन जाएगी x प्लस वाई यानी 7 + 3 10 और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी 7 - 3 यानी 4। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड आपको पता चल गई, डिस्टेंस d है और टाइम आपका टोटल कितना दिया हुआ है 14 आवर, यानी वापस जाने और वापस आने में आपको 14 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे पहले यहाँ पे देखो इसने जाने में कितना समय लगाया होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी d अपॉन स्पीड 10, और यहाँ से टाइम देखो तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड यानी 4, और ये दोनों टाइम मिला के कितना था 14 आवर, यानी t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो क्या लिखेंगे d बाई 10 प्लस d बाई 4 इज इक्वल टू 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो जो डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस के बीच का वो कितना है 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि आपको इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, तो इतना सारा कुछ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी मेथड था ये आपके लिए। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अ बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज गोइंग अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी एक बोट जो है उसको अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम का 3 गुना समय लग जाता है, मतलब 3 गुना ज्यादा समय लगा देती है वो अपस्ट्रीम जाने में। इफ रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर, अगर जो रिवर है उसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में आपको बोट की स्पीड बतानी है कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, तो देखो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे लिखो डाउनस्ट्रीम, और यहाँ लिखो अपस्ट्रीम, राइट। अभी देखो टाइम की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो टाइम पहले देखो, डाउनस्ट्रीम जाने में अगर 1 टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम जाने में 3, क्योंकि थ्राइस लग रहा है, और डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो जो टाइम और स्पीड होगा वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आप ये वाला काम कर लेंगे। अभी देखो अपस्ट्रीम स्पीड 3 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी मिली 1, तो आप स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं कैसे, u प्लस वी अपॉन 2 यानी 3 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 2, और डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज 1। अच्छा, आपको दे रखा हुआ है किसका, रिवर का स्पीड, रिवर का स्पीड आपको 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और यहाँ से हमने देखा ये है हमारा x और ये है हमारा y, तो यहाँ से हमने देखा कि रिवर की स्पीड कितनी आ रही है 4, यहाँ से हमें रिवर की स्पीड मिल रही है 1, और इसी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो जब 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को।